कांग्रेस एक बार फिर बदलेगी प्रत्याशियों के नाम। इन सीटों पर भारी विरोध के चलते बढ़ी कमलनाथ की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चली हैं। भाजपा ने 228 तो वहीं कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। प्रत्याशियों के बढ़ते विरोध के कारण कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया है, लेकिन अभी भी विरोध के सुर ठंडे पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस आने वाले 1 से 2 दिनों में कई और नाम बदल सकती है। राजधानी भोपाल इस समय विरोध प्रदर्शन करने की मुफीद जगह बन चुकी है। कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ता अपनी बात मंगवाने के लिए राजधानी का ही रुख कर रहे हैं। निवाड़ी, शुजालपुर, बिजावर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी विरोध पार्टी को देखने को मिल रहा है। शुजालपुर से बंटी बना के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया और प्रत्याशी बदलने की मांग की है। वहीं निवाड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी से आए अमित राय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद स्थानीय दावेदारों की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस समय रोशनी यादव बनी हुई हैं, क्योंकि वे टिकट की आस में ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। बिजावर विधानसभा से कांग्रेस ने झांसी के रहने वाले चरण सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। चरण और उनके परिवार के लोग इसके पहले भी कई अन्य पार्टियों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पर किसी भी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा बाहरी को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता और दावेदार कर रहे हैं। बीते दिनों दीवालों पर पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि प्रियंका गांधी हमारी सुनो, हमें स्थानीय प्रत्याशी दो। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही बढ़ते विरोध के कारण पार्टी आलाकमान टेंशन में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों में बदलाव कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।